अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी टोरिला चिकन चीज़ी रैप्स। तो बस अब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये बहुत जल्दी और बहुत इजी इसकी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है मैंने आज जो है हाफ़ अनियन लिया है और इसको जो है मैं हल्के से ब्राउन करूँगी। इसको मैं बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया। आप चाहे तो चॉपर की मदद से भी कर सकते हैं। और इसमें जो है मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो ऐड किया है। चिकन में मैंने सिर्फ नमक, मिर्च और अजवाइन और लहसुन पाउडर डाल के जो है इसको मैरिनेट किया हुआ था। और जो है मैं इसको अच्छे से जो है फ्राई करूँगी, भूनूँगी, ताकि चिकन की स्मेल चली जाए और चिकन थोड़ा सा जो है गल जाए। और जैसे ही ये गलेगा मैं इसमें ऐड करूँगी पार्सले। आप चाहे तो कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पार्सले ऐड कर रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ी खुशबू जो है अच्छी सी आ जाती है। और उसके बाद जो है मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी। मैं दो तरह की शिमला मिर्च ऐड करूँगी, रेड, येलो एंड ग्रीन। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप खाली ग्रीन भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने एक चम्मच जो है क्रीम चीज़ डाली है, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी कुकिंग क्रीम जो है मैं ऐड करूँगी। इसमें हाफ सा कप कुकिंग क्रीम जाएगा इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करके और इसका फ्लेम ऑन कर लेना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये नीचे जो है जले नहीं, लगे नहीं। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी दो जो है चीज़ स्लाइस। आप चाहे तो मोज़रेला भी डाल सकते हैं, चेडर भी डाल सकते हैं या नॉर्मल भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो थे मैंने जो टोर्टिला रैप्स है उनका मैंने ये कौन सा शेप बना लिया था। और मैं अब इसको बेकिंग ट्रे में रखकर सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूँगी। और फिर मैं इसको निकाल के इसमें फिलिंग करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये यहाँ पे जो है मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे लगाया था। और बस अब मैं जो है इसको बेक करने के लिए रखकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेक हो चुकी थी और मेरा मिक्सचर भी रेडी हो गया था, ठंडा हो गया था। और अब मैं जो है इसको रेडी करूँगी। और ये यहाँ पे मैंने इन सबको रेडी कर लिया था। और ये तकरीबन मेरा जो इसमें टोटल टाइम था 10 से 15 मिनट लगे थे ये सब मिक्सचर तैयार करने का और इसको बेकिंग प्रोसीजर। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार बनती है। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।